तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 2.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है x इक्वल टू माइनस 1 और थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। देखिए एक पॉलिनोमियल आपके पास में गिवन है, उसकी वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2 पे, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे तो जो पॉलिनोमियल आपके पास में गिवन है उसे कॉपी कीजिए। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले हम जीरो पे चेक करते हैं क्या वैल्यू होगा एट x इक्वल टू 0। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जहां जहां पे x है वहां पे आपको जीरो पुट करनी है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं f x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो f 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 4 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 3। तो डायरेक्ट आपका आंसर होगा 3। अब इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 0 विल बी 3। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें माइनस 1 पे आप चेक करनी है कि क्या वैल्यू होगा इस पॉलिनोमियल की। तो सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जहां जहां x है वहां पे आप माइनस 1 पुट करें, तो एफ माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 5 और माइनस 4, देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है और प्लस 3 तो ऐसे ही कॉपी कर दिया मैंने। अब देखिए यहां से माइनस 5 माइनस 4 को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 1 से तो कितना होगा माइनस 4 प्लस 3, ऐड करेंगे तो माइनस 9 और प्लस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 6, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिए। तो हेंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू माइनस 1 will be -6। थर्ड पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये कंफ्यूज आपको नहीं होना कि मैं फंक्शन ऑफ एक्स मान के रखा हूँ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, सिर्फ मैं एफ एक्स कंसिडर किया हूँ, ठीक है।
अब हमें x के प्लेस पे पुट करना है 2, तो जहां जहां x है वहां 2 पुट कीजिए, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 टू 10 माइनस 4 इंटू 2 टू 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना, तो यह आपका 10 प्लस 3 13 माइनस 16, 4 4 16, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3, तो क्या लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 2 विल बी माइनस 3। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल। जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन किया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सेकेंड का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि P0 पे क्या होगा और P1 पे क्या होगा और P2 पे क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले तो मैं कॉपी करता हूं क्वेश्चन को, PY=Y² प्लस माइनस Y+1। P0 चेक करते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, तो P0 इक्वल टू जहां जहां पे आपका वाई है वहां पे आप जीरो पुट करेंगे, तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, जीरो का स्क्वायर जीरो और माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू प्लस वन, तो P0 इक्वल टू कितना आ गया आपका प्लस वन। अब P1 चेक कीजिए इसी पॉलिनोमियल पे, तो P1 इक्वल टू, ऐसा करो एक बार इसको कॉपी कर लो, PY=Y²-Y+1, तो P1=1² - 1 + 1, 1² - 1 - 1 + 1, ये कैंसिल कर देंगे, आपके पास में बचेगा क्या 1, तो P1=1। अब हमें चेक करना है P2, तो PY=Y²-Y+1। एक बार आप पॉलिनोमियल को लिख दिया करें, उसके बाद में आप उसकी वैल्यू पुट करें, तो P2=2² - 2 + 1, 2 का स्क्वायर आपका होगा 4 - 2 + 1, तो 5 - 2 = 3, तो P2 कितना आ गया आपका 3। यहां से कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 2 + 1 एट P0, P1 एंड P2 is 1
comma 1 com and 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सेकेंड पार्ट है इसी का. पीटी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर करना है तो शुरू कीजिए. सॉल्यूशन पीटी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू. ठीक है, तो पी जीरो इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब. तो 2 प्लस 0, देखिए ये भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू 2. तो पी 0 इक्वल टू 2. अब पी 1 पे पुट करना, सबसे पहले तो क्वेश्चन को कॉपी करो. तो पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू. तो पी 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. 2 को 2 प्लस 1 3 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2, और 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस 1. तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. तो पी 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 4. आपका बचा है पी 2. तो पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब. ठीक, पी 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब. तो ये 2 और 2 कितना होगा 4, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8. 8, तो 4 प्लस 4 टू 8 माइनस 8, देखिए ये यार ये कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास में बचेगा 4. तो पी 2 इक्वल टू 4. ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देते हैं. हेंस द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब एट पी जीरो कॉमा पी वन एंड पी टू will be two comma four comma and four. ये आपका आंसर होगा. कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हम नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट है आपका 3. पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. तो हमें सबसे पहले पी जीरो पे चेक करना है. सॉल्यूशन
x equal to x cube, p0 equal to 0 का क्यूब, तो p0 equal to 0. अब p1 पे चेक कीजिए, तो px equal to x cube, p1 equal to 1 का क्यूब, p1 equal to 1. अब हमें चेक करना है 2 पे, उससे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे. तो px equal to x cube, p2 equal to 2 का क्यूब, p2 equal to 2 का क्यूब 8. अब करना है क्या, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है. यहां लिख दो, हेंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब एट p0 comma p1 and p2 will be 0, 1 and 8. अब लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं. फोर्थ है आपका जी, तो फोर्थ में है px equal to x minus 1 into x plus 1. तो सबसे पहले इसे तो सिंप्लीफाई कर दें. सॉल्यूशन px equal to, देखिए इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई x के साथ में करेंगे, x square, और x को करेंगे मल्टीप्लाई हम प्लस 1 से, तो x, और x को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 1 के साथ में, तो माइनस x, और माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो x स्क्वायर माइनस 1. देखिए यहां पे भी आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता. तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 1, p0 इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1. अब हमें वैल्यू p1 पे चेक करना है, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और माइनस 1 पहले से है आपका, तो ये कैंसल होगा आपका, तो p1 इक्वल टू 0. px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1. अब हमें चेक करना है p2 पे, तो जहां जाए x वहां पे आप 2 पुट करें, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, p ऑफ 2 इक्वल टू 4 माइनस 1, p ऑफ 2 इक्वल टू 3. कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए. चलो लिख देता हूं, हैंस द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एट p0 comma p1 and p2
विल बी, कितना कितना आया है, माइनस वन कॉमा जीरो एंड थ्री। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, कॉपी कर लीजिए।